ओंकार जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, आज आप ही के ओशन नेटवर्क के दो शो को लेकर मैं बात करती हूँ, जिसमें एक शो में आप कह रहे हैं महिला शक्ति की बात करते हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ का भी आपने जिक्र किया है, आई मीन मोदी योगी ऑन फायर। एंड द वेरी नेक्स्ट वीडियो उसमें आपकी ओपनिंग लाइन है, नुपुर के बाद कंगना से भी पल्ला झाड़ा। तो मेरा यही प्रश्न है आपसे कि कंगना ने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू दिया था भास्कर अखबार को और उसमें वैसे तो कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन एक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और जो अलग अलग मोमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, उनके बारे में जो बड़ी घटनाएं होती हैं देश के भीतर भी देश के बाहर भी, उन पर खास तौर से जो बॉलीवुड है उसकी चुप्पी को लेकर के एक सवाल किया गया था। तो कल्पना जैसा उसका अंदाज है, उसने कहा कि ये लोग तो बस सुबह उठते हैं, शूट के लिए जाते हैं, मेकअप शुरू कर देते हैं, अब भारत में क्या हो रहा है, भारत के बाहर क्या हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब है नहीं। फिर एक मुद्दा ये भी आया, तो उन्होंने कहा कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था 13 महीने का दिल्ली में, उसके पीछे तो एक बहुत बड़ी साजिश थी और वैसा ही कुछ करने की एक साजिश रची गई थी जैसा बांग्लादेश में अभी हम लोगों ने देखा है। तो ये उनका अपना आकलन हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत क्या है? और कोई भी व्यक्ति अगर उसका इंटरव्यू किया जा रहा है तो उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी ओपिनियन है, उसकी अपनी थिंकिंग और थॉट्स हैं, वो उनको अपने हिसाब से जाहिर करेगा। लेकिन उनके बयान को जिस तरीके से ट्विस्ट किया गया और उस पर राजनीति शुरू की गई, कांग्रेस की तरफ से भी, कुछ दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से भी, और जो पूरा एक इकोसिस्टम है जो मोदी जी के खिलाफ ही काम करता रहता है, उसकी तरफ से भी एक माहौल ये बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कंगना रनौत जो है वो सारे आंदोलनकारियों को ही रेपिस्ट बता रही है, सारे आंदोलनकारियों को ही मर्डरर बता रही है। ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने केवल ये कहा था कि रेप भी हुए थे उस आंदोलन के दौरान और मर्डर भी हुए थे, तो उसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। मर्डर हुआ था, एक 35 साल के लखबीर जो दलित थे, उनके अंग भंग करके, उनके हाथ पैर काट करके, गर्दन काट करके कुंडली बॉर्डर पर ये कहते हुए निहंगों ने उनकी हत्या करके बैरिकेड पर लटका दिया था कि साहब उन्होंने बाबा जी का अपमान किया है, कुछ इस तरह के आरोप लगा दिए थे उनके ऊपर। और टीकरी बॉर्डर पर, टीकरी से और बहादुरगढ़ के बीच में जो किसानों के कैंप टेंट लगे हुए थे, उसमें पश्चिम बंगाल से आई एक युवती के साथ रेप भी हुआ था, जिसमें एक लड़का भिवानी से गिरफ्तार किया गया था, उसके दो और साथी गिरफ्तार किए गए थे। तो कंगना ने ऐसा क्या गलत कहा था? लेकिन ट्विस्ट इसमें इसलिए भी आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू कर दिया गया कि साहब कंगना ने जो कुछ कहा है आंदोलन को लेकर के, उसके पीछे की साजिश को लेकर के, बांग्लादेश भारत में भी बन जाता, ये साजिश रची जा रही थी, चीन की या अमेरिका की कोई भूमिका थी, इस तरह के जो भी स्टेटमेंट थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है, वो हम कंगना के उस बयान से खुद को अलग करते हैं। तो मैंने अपने दूसरे वीडियो में यही कहा था कि साहब कंगना रनौत ने जो कुछ कहा है अक्षरशः सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई असत्य नहीं है। वहाँ रेप भी हुआ, वहाँ मर्डर भी हुआ, बल्कि एक नहीं हुआ, दो हुए। एक तो जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद सोनीपत में एक कोई धार्मिक डेरे से संबंधित कोई पंजाब के ही थे, जिनका शव जो है गन से उनको मारा गया था और वो वहाँ पर उनका शव बरामद हुआ था, उसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई थी।
तमाम तरह के झूठ उस समय बोले जा रहे थे, वो सब उसको दूसरा रंग देने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सिरे चढ़ नहीं पाया। बाद में पता चल गया कि कैसे मर्डर हुआ। तो कंगना रनौत के बयान से अपने को अलग कर लेना, मेरा निजी विचार ये है कि ये ठीक वैसे ही है जैसे नुपुर शर्मा वाले प्रकरण पर नुपुर ने जो कहा था उस पर आप चुप भी रह सकते थे, आप कोई प्रतिक्रिया ना देते, एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप एक स्टैंड ले सकते थे, या नुपुर शर्मा का आप साथ देते, क्योंकि नुपुर शर्मा ने बहस में भाग लेते हुए ऐसा कुछ नहीं कहा था जो इनकी किताबों में ना हो, या जो इनके प्रचारक उस तथ्य को स्वीकार ना करते रहे हों या प्रचारित ना करते रहे हों, वो सब था। फिर भी नुपुर शर्मा को एक तरीके से निलंबित कर दिया गया, अज्ञातवास में भेज दिया गया, उनका इतना बढ़िया राजनीतिक करियर चल रहा था उसको एक तरीके से आपने स्टॉप कर दिया और अंधेरों में जो है धकेल दिया। कंगना रनौत तो खैर एक एस्टेब्लिश एक्ट्रेस है और उसकी अपनी एक बॉलीवुड में भी पहचान है। हाँ, कंट्रोवर्सी उसके साथ जुड़ी रही हैं क्योंकि थोड़ा सा वो बेबाक है, बिना हिचक के वो अपने विचार रखती है, तो कई बार कंट्रोवर्सी में और कई बार लिटिगेशंस में भी फंसती है, उस पर कई मुकदमे भी हैं, लेकिन वो उनके अपने विचार हैं। पार्टी इस पर भी चुप रह सकती थी। जो बयान जारी किया गया है इस पर पार्टी ने अपना ही पक्ष कमजोर किया है और इससे जो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी हैं उनका मनोबल नीचे जाएगा। अब वो तमाम विषयों पर अपने स्वतंत्र विचार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपने सर बहुत सही कहा, लेकिन एक और आपका पहलू है आप ही के वीडियो का, योगी मोदी ऑन फायर। अब ये कैसा फायर किया उन्होंने? मतलब ये बात तो हो रही थी कि महिलाओं को वो किस तरीके से एम्पावर्ड करेंगे, और अगर मैं देखूं तो स्मृति ईरानी इस समय बिल्कुल कोने में लगी हुई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। इनकी मुखर प्रवक्ता है एक तरह की, किसी ज़माने में वो कई लोगों को एक ही झटके में निढाल कर देती थी अपने वचन से, और अब इन्होंने कंगना के साथ भी ऐसे किया, ये भी बोल्ड है बातचीत करने में, एंड द सेम नुपुर शर्मा। तो मतलब महिलाओं की सहभागिता पर भी सवाल आ रहा है ना सर? नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। यूं तो जब हम बीजेपी में या मोदी सरकार में या अलग अलग राज्य सरकारों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी की चर्चा करेंगे तो फिर हम निर्मला सीतारमण को कैसे बिसरा सकते हैं, जिन्होंने 7वां बजट पेश किया है और रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि किसी महिला वित्त मंत्री ने अपना 7वां बजट पेश किया हो। तो निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं हमारे देश की अरुण जेटली के समय में, और वित्त मंत्री उनकी पिछली सरकार में भी थी मोदी जी के और इस सरकार में भी हैं। हाँ, स्मृति ईरानी के पक्ष में जो आपने कहा है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि मोदी जी का काम करने का अपना एक तरीका है और लोगों को एक संदेश देने का भी तरीका है उनका। पर हाँ, जिस तरह से वो एक मुखर वक्ता है और तथ्यों के सामने जिस तरीके से विरोधियों को वो चारों खाने चित करती हैं, स्मृति ईरानी नो डाउट कुछ परिवारों पर, कुछ खानदानों पर और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों पर तो भारी पड़ती ही आई हैं। तो जो इन्होंने किया है कि अभी हरियाणा से बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा है, या महाराष्ट्र से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा में भेजा है, स्मृति ईरानी को भी भेज सकते थे, कहीं से भी भेज सकते थे। जी जी, मैं यही कहना चाह रही थी, उनको राज्यसभा में भेज करके आप जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन एक अच्छे संकेत ये हैं कि भले ही राज्यसभा में नहीं भेजा है, वो फिर से मीडिया के सामने आनी शुरू हुई हैं, उनको मीडिया से बातचीत करने की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दे दी गई है।
जो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही हैं, मोदी एंड योगी ऑन फायर, वो एक्चुअल में महिलाओं के सशक्तिकरण पर उस तरीके से डायरेक्ट वे में नहीं है। योगी जी तो ऑन फायर मैंने इसलिए लिखा है कि वो आगरा में थे, जो आपका सोमवार है, उन्होंने वहाँ एक बयान दिया कि जी अगर बटेंगे तो कटेंगे। जी और आप बांग्लादेश से ये सबक ले लीजिए, आप अगर कमज़ोर रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो वो एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी को भी जी दे रहे हैं, वो बिल्कुल हिंदुओं बिल्कुल को भी दे रहे हैं, और जो लोग हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी एक तरीके से जवाब दे रहे हैं, और उनके षड्यंत्रों से पूरे हिंदू समाज को एकजुट रहने की नसीहत भी दे रहे हैं। मोदी जी ऑन फायर मैंने इसलिए लिखा है कि मोदी जी एक दिन पहले महाराष्ट्र के जलगांव में थे, महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने खास तौर से जो कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक डॉक्टर बेटी के साथ वारदात हुई है उसको लेकर के भी, और जो अलग अलग क्षेत्रों में बच्चियों के साथ भी हुआ है, दूसरे लोगों के साथ भी हुआ है, उस पर दुख व्यक्त करते हुए ये कहा है कि इस देश की सारी राज्य सरकारें तमाम तरह की जो विचारों की उनके सामने दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उससे ऊपर उठ करके महिलाओं के सम्मान से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उनको वो प्राथमिकता के आधार पर एड्रेस करें। और मोदी जी जिस तरीके से बोल रहे थे और जो उन्होंने चेतावनी भी दी है उसको लेकर के मैंने लिखा है। तो हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मोदी जी ने महिलाओं के बारे में कहा, और योगी जी ने तो ओवरऑल एक संदेश दिया है हिंदुओं को, जिनको पिछले लोकसभा चुनाव से ही बांटने की साजिशें रची जा रही हैं। जी, योगी जी ने तो जो कहा उससे आई कैन से कि मन खुश हो गया, और वो केवल योगी ही कह सकते हैं। सर, एक चीज और जानना चाह रही हूँ। कंगना ने मतलब कोई ऐसी नई बात तो कही नहीं है, किसानों के लिए बात कही है कि चीन और अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं, तो इसमें ऐसी बवाल वाली बात कौन सी हो गई? और ये भी सब तरफ से आवाज आ रही है, जैसा कि योगी जी ने कहा है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो फिर हमारा बांग्लादेश वाला हाल होगा। कुछ कुछ वैसा ही गंगना ने कहा है। देखिए, कांगड़ा ने जो कुछ कहा है वो इसलिए भी सच्चाई के बहुत करीब है कि जो 13 महीने का वो तथाकथित किसान आंदोलन चला था, जिसमें ये लोग दिल्ली के गर्दन पर घुटना टेक करके बैठ गए थे 5 जगहों पर, और इन्होंने लोगों का जीना दुभर कर दिया था, आने जाने वालों के लिए बड़ी भारी परेशानी हो गई थी, और दिल्ली देश की राजधानी भी है, और कहना चाहिए कि जो शहरी पॉपुलेशन है वो मुंबई के बाद इस देश में सर्वाधिक अगर कहीं है तो वो दिल्ली में है। उसके लिए जितना भी दूध से लेकर के सब्जी और तमाम दूसरी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं रसोई की, वो बाहर से आती हैं। दिल्ली में तो बहुत कम उसकी उपज होती है, पैदावार होती है, तो आप वो सप्लाई चेन भी काट दें 13 महीने के लिए, और अगर वो किसी तरह पहुंच भी रही थी तो वो इतनी महंगी मिल रही थी या इतनी देर से पहुंच रही थी कि जो लोग ताज़ा खाना खाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। जो रोज़ाना अपने दफ्तरों से आते जाते हुए लोग थे उनके आने जाने में, घर पहुंचने में ही पहाड़ चढ़ने जैसी स्थितियां हो गई थी। पहले जहां आधा घंटे का, 35 मिनट का, 40 मिनट का टाइम लगता था दिल्ली में, तीन तीन चार चार घंटे उनको लग जाते थे, उनको अभिशप्त कर दिया गया था। और इस दौरान जितनी घटनाएं हुई थी और जिस तरह की घटनाएं हुई थी वो पूरी तरीके से देशी कुछ हिडन जो पावर्स थी उनके द्वारा संचालित और निर्देशित थी, और जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा संचालित थी। तो मेरा कहना ये है कि उसमें चीन की और अमेरिका की हम डायरेक्ट भूमिका ना भी देखें,
तो जो वहां बैठी हुई ताकतें हैं, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, यूके में भी, दूसरी जगहों पर भी, उनका वित्त पोषण भी था, उनका समर्थन भी था, तमाम हमें वो सारे तत्व उस समय देखने को मिल रहे थे। तो जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वो बांग्लादेश के भीतर से पैदा नहीं हुआ है, वो बाहर से वित्त पोषित है। उसमें पाकिस्तान का डीप स्टेट भी है, उसमें अमेरिका का डीप स्टेट भी है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी आपको पुट मिल जाएगा, समर्थन मिल जाएगा। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पार्टी है, बीएनपी, वो भी चूंकि पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर है और खालिदा जिया तो जेल में पड़ी हुई थी, उसका बेटा भी उम्र कैद की सजा पाए जाने के बाद, सुनाए जाने के बाद लंदन में रह रहा था, जिससे राहुल गांधी की मुलाकात की भी खबरें हैं तारिक रहमान के साथ। जी तो ये एक पूरा नेक्सस था, इसमें जमात भी शामिल थी, पाकिस्तान अमेरिका का डीप स्टेट भी था। तो वैसी ही साजिश भारत में रचने की जो आशंका कंगना रनौत ने अपने स्टेटमेंट में, इंटरव्यू में की, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उस आंदोलन के दौरान जो यहाँ पर आंदोलन चलाया जा रहा था, खास तौर से पंजाब में एक खास दूर संचार कंपनी के ही टावर्स को निशाना बनाया गया था, तोड़ा फोड़ा गया था। ये क्यों किया गया था और ये तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे, किसके द्वारा संचालित और मोटिवेटेड थे, ये भी हमें देखना और सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ नहीं था या कोई मंतव्य नहीं था। पर सर, ये जो चिट्ठी 26 अगस्त की है, इसमें मोदी विरोधी तो आज बहुत मजे ले रहे हैं। सुप्रिया श्री नेत है, संजय राउत है, सुरजेवाला है, जैसे लोग बयानबाजी कर रहे हैं। विरोधियों का काम यही होता है जो वो कर रहे हैं। इसमें अगर उनको आनंद की अनुभूति हो रही है तो उनको आनंद की अनुभूति लेने से क्यों रोका जाए, उनको लेना चाहिए। लेकिन इस चिट्ठी से उनको कौन सा पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है, कौन सा फायदा मिलने वाला है? हाँ, इस चिट्ठी से बहुत सारे लोग हैं नाराज हैं कि जो आप नूपुर शर्मा के साथ करते हुए दिखाई दिए थे वही आप कंगना के साथ कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की जब हम उसके पाले में खड़े होकर के जब हम सोचते हैं कि ये चिट्ठी जारी क्यों की गई है, तो फिर हमें इसका एक दूसरा पहलू भी सामने दिखाई देता है दीवार पर लिखा हुआ। वो पहलू ये है कि अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, फिर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। तो इन लोगों को ये मौका ही क्यों दिया जाए कि ये किसी तरह के बयान को ट्विस्ट करें और किसी समुदाय विशेष को भड़का करके, उकसा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद करें और अपने पक्ष में ध्रुवीकृत करें। तो जो उन्होंने किसान आंदोलन का नाम लिया, तो जाहिर है उनमें बहुत सारी खाप पंचायतों से लेकर के तमाम एलिमेंट उस समय के थे जो शामिल हो रहे थे। तो इन लोगों का कुल मिलाकर के प्रयास ये था, जिनका नाम आपने लिया है, कि उनको उकसाया जाए कि भाई देखो, आपको रेपिस्ट बताया जा रहा है, आपको मर्डरर बताया जा रहा है। तो ऐसा तो बयान में कहा नहीं गया है कि जो आंदोलनकारी थे वही मर्डरर थे या वही रेपिस्ट थे। केवल ये कहा गया कि उस आंदोलन के दौरान रेप भी हुए और मर्डर भी हुए, वो किसने किए हैं ये तो कहा नहीं गया, ये तो बताया नहीं गया। तो जिनको पॉलिटिक्स करनी होती है और उससे जिनको आत्मसंतुष्टि मिलती है और अच्छी नींद आती है, तो उनको वो प्रैक्टिस अपनी कायम रखनी चाहिए। लेकिन सर, उस चिट्ठी पे लसाइन है, ये भी एक गलत मैसेज दे रहा है ना। अब अभी तक खंडन भी नहीं हुआ है, ऐसा तो कभी बीजेपी की तरफ से हुआ नहीं है कि कोई वो आधी अधूरी बात कहें या आधा अधूरा आदेश दें। ना तो वो बीजेपी के लेटर हेड पे है, ना उस पे सिग्नेचर है, ना अभी तक कोई खंडन आया है खंडन सर। नहीं है, इसका मतलब है कि वो बीजेपी की ही चिट्ठी है। अगर बीजेपी की ऑब्वियसली चिट्ठी नहीं होती है तो होती तो अब तक खंडन आ गया होता है।
मैं फिर से कंगना वाली बात पे ही आती हूँ। राकेश टिकैत ने भी वही बात कही थी, लेकिन उसका लहजा देखिए, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लाल किले की बजाय उनके जो ट्रैक्टर हैं वो अगर पार्लियामेंट की तरफ चले जाते तो बांग्लादेश के हालात तो हम कर ही देते, तो कम से कम उन पे एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन ले रहे हैं कंगना पे। नहीं, कंगना पे एज सच कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया गया है कि उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है या उनकी सांसदी छीन ली गई है। केवल इतना कहा है कि हम कंगना के इस बयान से असहमत हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। तो वो चुनाव के मद्देनजर या संभावित जो राजनीति कांग्रेस की तरफ से या दूसरे दलों की तरफ से संभावित थी, उसको उसको नेगलेक्ट करने के लिए या उसको शून्य करने के लिए ऐसा किया गया है। राकेश टिकैत तो इसी तरह के बेहुदा बयान देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको दिल्ली के उस मीडिया में सुर्खियां मिल जाती हैं जो मोदी विरोधी है घोषित रूप से। और जिस मीडिया को कोई ना कोई ऐसा लफंडर चाहिए जो मोदी को गालियां देता हो या मोदी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बकवास करता हो, तो राकेश टिकैत की अपनी विश्वसनीयता क्या है, या राकेश टिकैत का अपना आधार क्या है, या प्रभाव क्या है, या कितने किसानों को वो प्रभावित करते हैं चुनाव के समय? आंदोलन के लिए किसी लीडर को एक्सेप्ट करना एक अलग विषय है। सरकार चलाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसके नेता को स्वीकार करना, एस्टेब्लिश करना, उसको शक्ति देना एक दूसरी बात है। राकेश टिकैत तो 3 में है ना, 13 में है। इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, जो ना केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे उत्तर भारत के एक मान्य नेता बन गए थे एक समय, और उनकी उनका जो प्रभाव दिखाई दे रहा था किसानों पर के एक हुंकार भरते हैं और लाखों किसान जो है इकट्ठा हो जाते हैं उनके पीछे, उससे प्रभावित होकर के 2 बार चौधरी देवीलाल जो उस समय उप प्रधानमंत्री थे वो सिसोली गए थे, एक बार प्रधानमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर गए थे, एक बार प्रधानमंत्री होते हुए HD देवगौड़ा गए थे, मुलायम सिंह यादव गए थे। मुलायम सिंह यादव से पहले कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में आंदोलन शुरू हुआ था, वीर बहादुर सिंह गए थे। कितने ही नेता वहां पर गए ताकि जो उनका एक प्रभाव दिखाई दे रहा है उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। उठा पाए क्या? कोई नहीं उठा पाया, क्योंकि जब राजनीतिक फैसला होता है कि किसकी सरकार बनानी है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, उसके बाद यही किसान जो महेंद्र सिंह टिकैत या राकेश टिकैत के पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है आंदोलन के समय, वो दूसरे तरीके से सोचता है। ये खुद राकेश टिकैत खतौली में विधानसभा चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। अमरोहा से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। अभी जब ये 13 महीने का आंदोलन चला था दिल्ली में, उसके तुरंत बाद पंजाब में जब 22 के शुरू में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो जो 32 किसान संगठन यहाँ पर पंजाब के आंदोलन कर रहे थे, उनमें से 22 संगठनों ने एक जुंटा बना करके, मोर्चा बना करके वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ा, सबकी जमानत जब्त हो गई। तो बकवास करने के लिए, सुर्खियां पाने के लिए आप कुछ भी कहिए कि जी भारत का हम बांग्लादेश बना देंगे, भारत बांग्लादेश या श्रीलंका बन ही नहीं सकता है। ये मैं अपने प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूँ। भारत की जो सांख्यिकी है, जो आबादी है, हमारे यहाँ अभी भी करीब करीब 80 से 90% हिंदू आबादी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे सुरक्षा बलों में, हमारी पुलिस में, हमारी सेना में, हमारी तीनों सेनाओं में, हमारे अर्धसैनिक बलों में हिंदू आबादी निर्णायक है, और हमारे यहाँ सेना अनुशासित है। दूसरे देशों की तरह सत्ता पर कब्जा करने की उसकी ना कभी नियत रही, ना उस तरह की ट्रेनिंग रही, और ना ही हमारे देश में वैसा वातावरण रहा। तीसरी बात, हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं, और जो हमारे यहाँ की जनता है
वो जो डेमोक्रेसी के तीन मजबूत स्तंभ हैं उनमें पूर्ण भरोसा करती है। मीडिया थोड़ा करप्ट हो गया इसलिए मैं चौथे स्तंभ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स हैं लोकतंत्र के जीवित रहने के वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कहीं मजबूत है। सर आपको नहीं लगता, मतलब ये बात मुझे कहने में भी जोर पड़ रहा है, मोदी जी से देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं, देश भी सवाल करता है, और फिर मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी इन दिनों हम देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो कॉन्फिडेंस की बात भी हो रही है, और ये अब कंगना का नया मैटर शुरू हो गया है, ये उनकी कोई कूटनीति है या फिर जो देश ने मैंडेट किया है उनको 240 सीटें दे करके, ये उसका परिणाम है? जितना मोदी जी का मैं आकलन करता हूँ, जितना उनका राजनीतिक जीवन देखता हूँ, उनके काम करने के जो तौर तरीके हैं, उनके फैसले लेने के जो तरीके हैं, वो कभी भी गरम गरम खाना नहीं खाते हैं, ठंडा करके खाने की उनकी आदत है। जो लोग मोदी जी से ये चाहते हैं या इच्छा रखते हैं कि वो करें जो उनकी इच्छा है, आमतौर पर देश का नेतृत्व करते हुए किसी भी लीडरशिप के लिए वो उतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका विश्वास हिला हुआ है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, और ये परसेप्शन बना कौन रहा है? वो लोग बना रहे हैं जिनको इस देश ने तीसरी बार बहुत बुरी तरीके से ठुकरा दिया है, जिनको ये कहा है कि आप अभी विपक्ष में ही बैठने के लायक हैं, आप पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि आप देश को चला सकते हो। वो परसेप्शन बना रहे हैं कि साहब हमारी तो 99 सीट आ गई। अबे कितनी में से 99? 100 में से 99 या 543 में से 99? और जिनकी 543 में से 240 आई हैं, और जिनके गठबंधन की 300 से भी ज़्यादा सीटें आई हैं, उनको तो आप कह रहे हैं कि वो चुनाव हार गए हैं। और बड़ी बेशर्मी के साथ आप ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि 99 सीट लेकर के और सारे इंडी अलायंस की कुल 232 सीटें मिला करके आप चुनाव जीत गए हैं। अगर आप चुनाव जीत गए थे तो सरकार क्यों नहीं बना ली, शपथ ग्रहण क्यों नहीं कर ली? शपथ ग्रहण तो नरेंद्र मोदी ने किए, तीसरी बार प्रधानमंत्री तो वो बने हैं। तो कुछ फैसलों में जो के लोगों को अपेक्षा है, अपेक्षा किससे होती है? अपेक्षा उसी से होती है जिसको लोग सक्षम मानते हैं, या जिससे लोग ये उम्मीद करते हैं कि यही कर सकता है और किसी के बस का नहीं है जी। और जब वो करने वाला थोड़ा सा टाइम ले ले किसी काम को करने से पहले, तो लोग फिर तमाम तरह के उस पर आरोप और सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। तो ये वही पीरियड इस समय चल रहा है। कुछ वातावरण ऐसा है, कुछ परसेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, डेलिबरेटली किए जा रहे हैं, तो उस दौर से वो गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक पीरियड दिया था कि हमारे तीसरी बार सरकार में आने के बाद 6 महीने तक राजनीतिक भूचाल आते रहेंगे, अभी वो 6 महीने पूरे होने दीजिए। वो 6 महीने जब कंप्लीट हो जाएं और 7वां महीना शुरू हो जाए, अगर वो 6 महीने में वो राजनीतिक भूचाल ना देखने को मिले, तब हम नरेंद्र मोदी की नीयत पर अगर सवाल खड़े करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड ऑफ दिस शो ओंकार जी, फिर से कंगना पे आती हूँ। कंगना मंडी की बेटी हैं, और जब वो जीत करके पहली बार चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी, उस समय उनके साथ जो हादसा हुआ था थप्पड़बाजी वाला, वो जो कांस्टेबल है उसको फिर से रेस्टोर कर दिया है। और मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि वो एक युवा सांसद है, उसके साथ इस तरीके का बिहेव हुआ, नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं कंगना के साथ बहुत गलत हो रहा है? कंगना के साथ अगर कोई डेलिबरेटली गलत करने की नीयत होती तो उनको मंडी से भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों देती, चुनाव लड़ने का अवसर क्यों देती? मंडी में तो उनके पास ऑलरेडी प्रत्याशी थे, अगर उनको ना देकर के कंगना रनौत को वहाँ लड़ने का मौका दिया गया है, पार्लियामेंट में पहुँचने का मौका दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का उनके प्रति कोई
गलत मंशा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, जो उनके बातचीत करने के तरीके हैं, अपनी बात कहने का बेबाक तरीका है, उससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, पेट में दर्द होता है, तो ये उनकी समस्या है जिनके पेट में दर्द होता है। ये कंगना रनौत की समस्या नहीं है। कंगना रनौत का तो अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक बात कहने का तरीका है, और वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो उसी अंदाज में बात करती भी हैं। देर सवेर ये सब चीज़ें लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे जब समझ जाएंगे कि उनका तो नेचर ही ये है। उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और जिस घटना का आप उल्लेख कर रही हैं और उसको बहाल करने की बात कर रही हैं, तो अगर किसी ने मिसबिहेव किया है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो उसकी एक सज़ा होती है, वो सज़ा उसको मिल चुकी है, वो निलंबन उसका हो चुका है, उसके खिलाफ़ FIR लॉज हो चुकी है, कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है। इस बीच अगर कोर्ट के ही आदेश से उसका निलंबन वापस ले करके और कहीं उसको तैनात किया गया तो हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है ये। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को मेरे दर्शकों के सामने रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट जी, और मेरे शो के लिए समय देने के लिए अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।